तो बच्चे हमारा जो सिलेबस है, दोबारा एक बार बता दूं आपको कि आपके तीन लेसन हैं, दो कविताएं हैं, मीरा और कबीर। उधर से लेसन हो गए ततारा व मीरो, बड़े भाई साहब और अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। ग्रामर एज इट इज, अपठित गद्यांश चार में से कोई दो करने हैं, ठीक है। सारा पेपर ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपको ध्यान से करना है, ऑप्शंस वाला पेपर ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, अब हम कर रहे हैं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको पदबंध, ठीक है। एक बार दोबारा, पदबंध होता क्या है? जब हमने पदों को बांध दिया होता है तो उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे सामने के मकान में रहने वाला युवक युवक आज चला गया। आई हैव रिटन वन सेंटेंस। अब देखिए, पदबंध मैं बता रही हूं आपको, ध्यान से सुन लो पुत्र पुत्र। पदबंध, टुडे इज 19 ना। अब मैं पदबंध करवा रही हूं, मींस पदों को बांधा गया। पद परिचय क्या होता है? जब हम इसको अंडरलाइन करें और मैं पूछूं कि ये पद परिचय दीजिए, क्या वर्ड है, तो आप बता देंगे ये संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये शब्द एकवचन है, ये शब्द पुल्लिंग है, फिर इतना कुछ बताना होता है। नहीं, अब है पदबंध। जैसे मैं अंडरलाइन करती हूँ, सामने के मकान में रहने वाला पदबंध बताइए, ठीक है। तो पदबंध के नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, ये संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है या विशेषण पदबंध है, आपको उनमें से एक चुनना होगा। तो आप देखिए, अब पदबंध का मैं आपको डिटेल बता रही हूँ क्या होता है। संज्ञा पदबंध जिसका अंत संज्ञा से होता है, जैसे मैं इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दूं और युवक तक अंडरलाइन कर लूं, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि युवक एक नाउन वर्ड है, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी रेखा थोड़ी छोटी कर देती हूं, बाला तक आ गया तो ये हो गया विशेषण पदबंध। ये वाला वाला शब्द हमेशा विशेषण होता है, 99%। 1% मैंने बताया था कि कई बार ये संज्ञा शब्द भी हो जाता है, पदबंध भी हो जाता है, ठीक है, वाला। ओके, अब मैं इस लाइन को छोड़ के मैं कहती हूं युवक आज चला गया, ये अंडरलाइन है, तो ये क्रिया पदबंध होगा। यानी हमें ये ही ध्यान रखना है, और मैनी टाइम्स वी गेट ऑप्शंस कि इनमें से संज्ञा पद पदबंध कौन सा है। सपोज ये लाइन लिखी हुई है, कोई अंडरलाइन नहीं है, नथिंग इज अंडरलाइन, ठीक है। आपको ऑप्शंस दे दी, क ख ग घ। ओके, क ख ग घ लिखने से मुझे एक बात और याद आई बच्चे, जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, मुझे प्रॉब्लम आती है आपके पेपर चेक करने में। कैसे? ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन सेंटेंस लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको रिटर्न पेपर देना है। अगर ये सेंटेंस लिख दो आप, बहुत ही अच्छी बात है। अब आंसर्स जो है ना, जो आपका ऑप्शन, जैसे सपोज करो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपका ख आता है जवाब, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? ये लिखने के बाद, लाइन लिखने के बाद आप लिखेंगे उत्तर ख, ठीक है। अब ख के आगे जो लिखा होगा वो भी लिखना होगा, ताकि टीचर को कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपने जवाब क्या दिया है, ऑप्शन आपकी क्या है। क्वेश्चन पेपर ना उठाना पड़े उसे बार बार। बोर्ड में सबसे बड़ी बात होती है, बोर्ड चेकर को जब क्वेश्चन पेपर बार बार उठाना पड़ता है ना, इरिटेट हो जाता है वो। मैं हो जाती हूँ तो वो क्यों नहीं होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सेंटेंस सामने है, आंसर का नंबर सामने है, जो आंसर आना है वो सामने है, उसको सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान से सुन लो मेरी बात। अब मैं इसका क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ, इसका क्वेश्चन है संज्ञा पदबंध, नहीं संज्ञा नहीं,
क्रिया विशेषण पदबंध छांटिए, छांटे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ये दे दिया, सेंटेंस ये। अब नीचे जो ऑप्शंस दूंगी वो मुझे लिखनी पड़ेंगी, चारों क्वेश्चन पेपर बनाना देखो कितना मुश्किल है। एक क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शंस दे रही हूं। क, सामने के मकान में, रहने वाला, ख, रहने वाला युवक आज, ग, युवक आज चला जाएगा, घ, सामने के मकान, एक क्वेश्चन बनाइए। पेपर बनाना कितना मुश्किल है सोच लो आप। एक क्वेश्चन बना, अब इसमें से आपको आंसर देना है, क्रिया विशेषण पदबंध जानना है। कौन सा आएगा? क, ग, ग, मैंने क्या छांटने को कहा है आपको? क्रिया विशेषण, नॉट क्रिया। लास्ट वर्ड इज क्रिया, लास्ट वर्ड इज विशेषण, लास्ट वर्ड इज संज्ञा, लास्ट वर्ड इज क्रिया विशेषण, ठीक है ना? तो आंसर इसका होगा, उत्तर होगा इसका। अब मैं इसका उत्तर लिख रही हूं, ख। आप ऐसे ख लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, रहने वाला युवक आज ठीक है। आंसर आपको ऐसे देना होगा, ओके। अब मैं ऑप्शंस, वाला विशेषण ही होता है मैक्सिममली, संज्ञा का वो तो कंफ्यूज मत करो अपने आप को, जरूर बताऊंगी लेकिन अपने आप को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। यहां अगर मैं बताने बैठ गई ना ये याद रहना है ना वो याद रहना है, ठीक है। वो कहां होता है? जैसे सिर हिलाने वाला चला गया, सिर हिलाने वाला चला गया, साथ में और नाउन नहीं लगा हुआ, सिर हिलाने वाला चला गया, मतलब सिर हिलाने वाला किसी लड़के की जगह पे यूज हुआ है, वहां होता है। जहां वाला के साथ नाउन वर्ड आ गया वो विशेषण है, ठीक है। चलिए, ये तो मोटे तौर पे बताया मैंने। आगे देखिए, मैं पढ़ रही हूं, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। देखो डेफिनेशंस कहीं नहीं आती लेकिन एमसीक्यूज में आती हैं। जहां पदबंध कर एक इकाई का काम करें उसे कहते हैं पदबंध, शब्द, पद, इस तरह ऑप्शंस आ सकती हैं, ठीक है। जब पदबंध कर, क्या मतलब? दोबारा देखिए डेफिनेशन को। जब इतने सारे पद, सामने भी, के भी, मकान भी, मैं भी, रहने भी, वाला भी, इतने सारे पद बंध गए और एक इकाई का काम कर रहे हैं, एक बंदे को इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है पदबंध, ओके। पदबंध किसे कहते हैं? जब बहुत से पद मिलकर एक इकाई का काम करते हैं, ओके। अब पदबंध के भेद आपसे पूछ रहे हैं, कितने होते हैं? पांच, 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 कैसे बोलो? देखो अभी तो मैंने पूछे, हाँ, इसमें एक सर्वनाम ही तो नहीं लिखा मैंने, बाकी सारे लिखे हैं, पांचवे है ना। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, पांच, ओके। उसके बाद है संज्ञा पदबंध, वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है, ठीक है बेटे, हार्दिक सुन ले बच्चे, हाँ। फिर है सर्वनाम, वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है।
जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियापद मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं वहां क्रियापद बंध होता है। देखिए क्या बोला उसने, जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियापद मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं, जैसे मैं नहाकर स्कूल जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, मैं नहाकर स्कूल जाऊंगा। अब मैं इसमें अंडरलाइन कर देती हूं, मैं नहाकर, ये क्रिया विशेषण हो गया, नहाकर स्कूल जाऊंगा। जब वाक्य बनाते हैं ना, जब वाक्य होता है सरल वाक्य बनाते हैं, उसको जो पूर्वकालिक क्रिया होती है वो क्रियापद क्रिया विशेषण बन जाती है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, है ना? नहीं, दोबारा सुनो, जब आप वाक्य देखते हैं सरल वाक्य, उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया होती है ना, नहाकर, पी कर, सो कर, है ना, वो हमेशा, हाँ, वो सारे क्रिया विशेषण हो जाते हैं। ओके, तो जहां बहुत से क्रिया शब्द मिलकर, यहाँ पे डेफिनेशन है, क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले वाले एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। ओके, देन कुछ वाक्य हैं इसमें लिखेंगे, वाला वाले विशेषण, हमेशा वाला वाला हमेशा विशेषण होगा। हाँ, ऑप्शंस में आ सकती हैं। कर वाला हमेशा क्रिया विशेषण होगा, क्रिया के साथ कर लगा होगा, नहा कर, पी कर, सो कर, चल कर, है ना, उठ कर, ये सारे क्रिया विशेषण होंगे। ओके, क्या ग्रुप में कोई नहीं देखता, इसलिए मैं कुछ नहीं डालने वाली है, आई एम नॉट टोटली फ्री, मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ इन दिनों में, बहुत ज्यादा, नहीं तो ये हालत नहीं होती। इतने बच्चे एबसेंट हो रहे हैं, 6 बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं, 3 3 6 7 यहाँ बैठे हैं, 13 बच्चों को पढ़ा रही हूँ आउट ऑफ 23। आपको लगता है मैं इतनी छोटी क्लास देती, फिर मैं खींच खूंच के पूरे कर चुकी होती, आई एम नॉट फ्री। ओके, चलिए आगे देखिए, नैना पढ़कर सो गई, नैना पढ़कर कौन सा है क्रिया विशेषण, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, है ना। देन कोरोना महामारी के कारण सरकार ने देश भर की गरीब जनता को राशन की सुविधा प्रदान की है, इसमें अंडरलाइन है देश भर की गरीब विशेषण, क्योंकि साथ में जनता है। ठीक है, ओके। हमारे क्षेत्र में आजकल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्रिया, बिल्कुल बिल्कुल क्रिया। कुछ थोड़ा चेंज करूं मैं, बस यहाँ पे तो इतना ही है। मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा, इसमें है तेजी से दौड़ता हुआ, विशेषण किस किसने बोला, विशेषण किसने बोला, मैं तेजी से दौड़ता हुआ रीति है, क्रिया की विशेषता है, रीति है, स्टाइल है उसका, तेजी से दौड़ता हुआ। ओके, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, पेड़ तक, बंगले के पीछे लगा पेड़, संज्ञा, अगर बंगले के पीछे लगा तक होता तो विशेष क्रिया विशेषण। पेड़ हाँ, लेट मी कंफर्म, बंगले के पीछे लगा लगा विशेषण है भाई, पेड़ लगा हुआ है ना, लगे पेड़ की बात कर रहे हैं, बंगले के पीछे लगे, वो कंफ्यूजन हो गई। मैं बताती हूँ, देखो सेंटेंस है, बंगले के
पीछे लगा पेड़ गिर गया। देखो आप और मैं कहां कंफ्यूज हुए, यहां पे ये बंगले के पीछे लगा हुआ है यानी क्रिया विशेषण है, उसकी जगह पता चल रही है, लेकिन नहीं बंगले के पीछे लगा पेड़ है, पेड़ है जो बंगले के पीछे लगा है। हाँ तो पेड़ है यानी इसके साथ नाउन है ना, नाउन की क्वालिटी बता रहा है ना, तो ये फिर विशेषण हुआ। ठीक है, क्रिया की क्वालिटी नहीं बता रहे, क्रिया और सॉरी विशेषण और क्रिया विशेषण में फर्क ही है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है? वो शाम को गिर गया होता तो ना, ये इतना होता तो वो ही है, बंगले के पीछे लगा गिर गया फिर बनता है क्रिया विशेषण। यहाँ पे पेड़ बेटे विशेषण होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला, और क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है बस हमें। ओके, साथ में नाउन है या नहीं है। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, शब्द की एग्जांपल लेते हैं। वह पेड़ पर चढ़ता है, दूसरा सेंटेंस है वह पेड़ गिर जाएगा। सिर्फ मुझे एक चीज बता दो, वह पद परिचय दो वह का, ऊपर वाला संकेतवाचक विशेषण है। हाँ वह पर चढ़ता है, ये वर्ड है सर्वनाम और ये है संकेतवाचक विशेषण। देखो वर्ड बिल्कुल वह पेड़ है, लेकिन ध्यान से देखो फर्क क्या है। वह मतलब ही विल क्लाइम द ट्री है ना, और इसका है दैट ट्री विल फॉल डाउन। ठीक है, यहां पे ये विशेषण हो गया, यहां पे ये सर्वनाम हो गया। वह पेड़ इशारा हो रहा है संकेतवाचक, वह पेड़ मतलब वो आदमी ही और शी पेड़ पर चढ़ जाएगा। ओके, दिस इज द डिफरेंस। ग्रामर मुझे इसी तरह कंफ्यूज करती है, माइनर सा फर्क होता है। ओके क्लियर। इसके बाद मैं जो आपको करवा सकती हूँ, वैसे तो 2-3 मिनट ही रह गए हैं आपके। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बोलो मैम। ने वह पेड़ गिर जाएगा ये संकेतवाचक है, और ऊपर वाला सेंटेंस क्या? वह पेड़ पर चढ़ता है, उसमें सर्वनाम है। ओके मैम, उसमें वह सर्वनाम है। अच्छा अब देखिए सेंटेंस है, किश्ती पानी में डूबती चली गई, पानी में डूबती चली गई, पानी में डूबती चली गई, क्रिया क्रिया। ठीक है, मीरा गाते गाते नाचने लगी, मीरा गाते गाते क्या है? मीरा गाते गाते क्रिया विशेषण, चलते चलते दौड़ते दौड़ते गाते गाते सोते सोते रीति आ जाती है। चलो अगर मुझे टाइम मिलता है तो आज मैं आपको थोड़े से सेंटेंसेस की पद परिचय इसी तरह डाल देती हूँ, ऑप्शंस में नहीं डालूंगी प्लीज, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेस अंडरलाइन करके डाल सकती हूँ, ऑप्शंस डालनी इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो चलो आज होमवर्क भेजूंगी मैं आपको बेटे, 10 वाक्य लिख के आप उसका पदबंध बताएंगे। ओके ओके बच्चे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।